हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया टी टाइम स्नैक बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमने सूजी ली है, जिसे हमने भिगो के रखा था। ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। अब एक दूसरे बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, तो जितना हमने सूजी ली थी उससे थोड़ा कम ही हम बेसन डालेंगे। इसके बाद हम इसमें दो उबले आलूओं को मैश करके डाल देंगे। कद्दूकस किया हुआ हम इसमें गाजर डाल देंगे। कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें कुटी हुई सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। एक कटी हुई प्याज डाल देंगे। आधा नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें दो वाइट ब्रेड डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। आधा छोटा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे और स्वाद के अनुसार इसमें हम सादा नमक डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाए ये सभी चीज़ें, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। ऑयल भी हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तो एक छोटा सा पार्ट हम मिक्सचर का डाल के ऑयल में देख लेते हैं कि तेल हमारा गरम है कि नहीं। तो ये तेल बिल्कुल अच्छे से हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब तैयार किए हुए मिक्सचर के पकौड़े हम छान लेंगे। तो इस तरह से हम इसे हाथों से ही डालेंगे। आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें हम एक बार पलट लेते हैं। तो एक साइड ये कितनी अच्छे से फ्राई होने शुरू हो गई हैं। इसी तरह से हम अलट पलट के दोनों साइड अच्छा क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये पकौड़ियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। चाय के साथ आप इसे बना के सर्व करें। दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ही अच्छा आता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह हम बाकी बचे मिक्सचर के भी पकौड़े छान लेंगे।
तो ये पकौड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में कितनी टेस्टी और यूनिक रेसिपी हमने बनाई है। आप भी इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ढेरों आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक यू।